आने वाले समय में रणबीर हुड्डा फेम एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। जैसे ही इस फिल्म का टाइटल पता चला वैसे ही लोगों के मन में कई सवाल आए कि आखिर वीर सावरकर को मिली काले पानी की सजा आखिर क्या थी, वो कितनी खतरनाक थी और इतिहास में उसे काले पन्नों में क्यों लिखा जाता है। तो आज हम आपको उसी काले पानी की सजा का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, उस सजा के बारे में एक एक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा होती थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता था, आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान और समय से है, जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान कर देने वाली वजह है। बता दें कि सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की एक मूक गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी हुई थी और प्रत्येक कोठरी 15x8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चार दीवारी एकदम छोटी बनाई गई थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद भी जेल से कोई बाहर निकलकर भाग नहीं पाता था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। भारतीय समाज में कहा जाता था कि जिसने समुद्र पार कर लिया उसका मतलब ये कि वो पापी हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी बोलते थे। और अंडमान निकोबार में बनी ये सेलुलर जेल समुद्र के बीच में थी, इसलिए इसे काले पानी की जेल कहा जाता था। इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी यहां पर मारे गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा जाता है। अगर बात अकेलेपन की करें तो ये कहा जाता है कि वीर सावरकर को 3 साल तक पता नहीं चला था कि उनके भाई उस जेल में उन्हीं के साथ बंद थे, क्योंकि कोई भी कैदी एक दूसरे को देख नहीं पाता था, बात नहीं कर पाता था। इसलिए वीर सावरकर को 3 साल तक पता नहीं चल सका कि उन्हीं के भाई उनके साथ के बैरक में जेल में बंद है। ऐसा था ये सेलुलर जेल और काले पानी की सजा। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।